खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं गए? एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड के सुहाने से सफर की ओर। क्या कटरीना कैफ बनने वाली है माँ? जी हाँ, कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी को लेकर उड़ रही है अफवाहें। फोटोज देख फैंस ने किए कुछ यूं कमेंट्स। कटरीना कैफ आए दिन अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। वह अक्सर लोगों को अपने फैशन सेंस से भी इम्प्रेस करती है। टाइगर 3 स्टारर कटरीना अपने उसी फैशन सेंस की वजह से एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई है और इस बार उनके स्टाइल ने कटरीना के प्रेग्नेंट होने की अफवाहों को हवा दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। हाल ही में शादी के बंधन में बंधी एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से इन अफवाहों ने जोर पकड़ ली। बता दें कि टाइगर 3 और मैरी क्रिसमस की शूटिंग में बिजी कटरीना कैफ को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते देखा गया। इस दौरान अभिनेत्री ने पेस्टल गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया था। उसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कैमरे में कैद हुई एक्ट्रेस की फोटोज देखने के बाद कई लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि कहीं एक्ट्रेस प्रेग्नेंट तो नहीं है। जी हाँ, फैंस कयास लगा रहे हैं कि कटरीना जल्द ही विकी कौशल के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रही है। एक यूजर ने लिखा, वह प्रेग्नेंट लग रही है, ओ माय गॉड। वहीं दूसरे ने कमेंट किया, जल्द माँ बनने वाली है, कटरीना के बच्चे को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। बता दें कि कॉमेंट्स का ये सिलसिला नहीं रुका और एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या कटरीना प्रेग्नेंट है या उन्होंने सिर्फ सूट पहना है, कुछ भी हो वह बहुत सुंदर लग रही है। गौरतलब है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के बड़वाड़ा के सिक्स सेंस फोर्ट में शादी की थी। यह कपल हाल ही में छुट्टियां बिताकर वापस आया है। अपने इस वैकेशन से दोनों ने बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने इन अफवाहों पर रिएक्ट नहीं किया है। वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो कटरीना कैफ इस समय सलमान खान के साथ अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी है। फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी। यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज की जाएगी। कटरीना जल्द ही फिल्म फोन भूत और प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के साथ जीली जरा और श्री राम राघवन की मैरी क्रिसमस में भी दिखाई देगी। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जरूर बने रहिएगा ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।